नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे दर्शक हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी डिमांड थी कि सर हमें जानकारी दीजिए कि जो बकरियां होती हैं राजस्थान की, उनके कान क्यों काटे जाते हैं, उनके पीछे का कारण क्या रहता है। और अक्सर यहाँ पर जो भी बकरी पालक हैं वो अपनी बकरियों के जो कान हैं वो अलग अलग तरीके से काटे हुए होते हैं, तो थोड़ी सी देखने में मुझे तो सुंदर लग रही होती हैं, परंतु उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न हम आपको आज एक किसान से ही बताने वाले हैं। तो सर स्वागत है और नमस्ते। नमस्ते, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। महेंद्र सिंह नाम है मेरा जी। सिरोही बकरी पालन का काम है अपना जी जी, अजमेर बेल्ट के अंदर। थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा ना। फीमेल का काम है, ब्रीडिंग सेटअप है, उसमें 30-40 फीमेल रहती है। ये जो साइज की दिख रही है आपको, बिल्कुल ऐसे तैयार करते हैं इनको जी। तो यही थोड़ा सा मुझे बताइए कि कान क्यों काटते हैं सर आप अपने यहाँ पर, कान देखो आप क्या तो, लॉजिक इसके पीछे लगाते हैं? एक तो इसके अंदर कान काट मतलब जो हाथ बैठा हुआ होता है ना आदमी का, हाँ, सुंदरता के हिसाब से, अपनी पहचान के हिसाब से भी काटता है आदमी। अच्छा, और एक जो झाड़ियों में कटीली झाड़ियों में चढ़ती है ये, अपन ने देखे ना ये कुमटे के पेड़ होते हैं, ये डान के इधर ये है, तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं कांटे वाले पेड़ खाती है ज्यादातर, और इस एरिया में कांटे वाले पेड़ ही हैं, पूरे जंगल में कांटे वाले रहते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि ये कान जो नसें हैं कानों के अंदर, इसमें लग जाता है। अच्छा, ब्लड आने लग जाता है फिर। हाँ, इधर से उसको रोकने के लिए क्या है कि अपन जन्मते टाइम जो बच्चा जन्मता है उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू नहीं होता, उससे पहले ही कान बना देते हैं। अच्छा, जैसे बच्चा ने जन्म दिया तो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर कान बना दिए जाते हैं। एक तो उससे सुंदर दिख रहा है जानवर, और एक उसके कान कहीं अटकते ही नहीं है झाड़ियों के अंदर, वो भी प्लस पॉइंट है। एक अपनी पहचान के लिए दो तीन चीजें हैं इसके अंदर, अपनी पहचान के हिसाब से भी आदमी काटता है वही अपने वो हाथ जमा हुआ रहता है अपने जानवर को, किसी भी रेवड़ में शामिल हो जाए तो इतने जानवरों को पहचाने नहीं, तो उससे बनावट से भी पहचान जाता है कभी कभार आदमी। ऐसा है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर ही बकरी खा रही है, ये पूरा जो कटीला झाड़ है, कटीला झाड़ वो सामने आप देखोगे तो वहाँ पे भी पूरा कटीला झाड़ है। और कानों की बनावट से हमारे इधर तो मैं बोलूँ, एक तो आप बिगर कान कटी हुई बकरी को देखेंगे, कान कटी हुई बकरी को देखेंगे तो सुंदरता का फर्क होता है। हाँ, कुछ तरीके से अलग अलग तरीके से लोग एरिया के हिसाब से, कहीं बोलते हैं यार पानी में डूबते हैं तो उसको छोटा छोटा कर देते हैं अपन, तो जैसे इस सामने वाली का अभी देखो। अच्छा, ये और अच्छे तरीके से काटा गया है, इसको ज़्यादा छोटा कर दिया उसने। ये अपने फार्म की नहीं है, बाहर किसान से हम लाए थे। तो इसका ये देखो, यहाँ ये यहाँ तक ही पहुँचता है, तो इसमें पानी में जैसे पिएगी तो डूबेगा नहीं, इस तरीके से बना दिया उसने। अच्छा, ये आजू बाजू भी काटा गया मतलब, नीचे से थोड़ा छोटा किया हुआ इसको, इसको छोटा किया गया है, छोटा करने से सुंदरता कम होगी इसकी। बनावट इतनी अच्छी है कि उसमें चार चांद लग रहे हैं मेरे हिसाब से तो इसके। लेकिन ये जन्मने के थोड़ा सा मुंह करिए ना इसका, ये हाँ इधर देखिए, ये देखिए थोड़ा सा सुंदरता भी आ जाती है, सुंदरता बिल्कुल आ रही है ना, लटक आ जाती है। अभी ये देखिए, देखो सुंदरता के हिसाब से काटे जाते हैं, बाकी क्या है। जंगलों के बीच में रहती हैं, चरती हैं, तो उस हिसाब से भी फंसे नहीं और अलग अलग तरह फिर फटे नहीं काम, कान भी नहीं फटता, ऐसे चीरा लग जाता है, वरना एक तरफ से खुला थोड़ा सा इतना, हाँ, लटका हुआ कान दिखता है, फिर वो अलग अलग जगह बीच में से निकाल दिया तो कांटों के बीच कांटा उसके बीच में से निकल जाता है। तो ये तरीके रहते हैं। और मैं जैसे एक सवाल मेरा ये भी आता है सर, जैसे बकरियां आती हैं इन जंगलों में, अब देखिए जैसे इसको पकड़िएगा थोड़ा सा, एक चीज़ है मेरे दिमाग में, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कभी थनों में भी क्या हो जाती है, जैसे देखिए दिखाइए मैं इसका आर्डर दिखाता हूँ, ये इससे गुजरी हुई है, तो यहाँ पर देखिए इस कांटे की वजह से ये कट लगना, ये खरोंच बनना, ये अलग अलग देखिए देख सकते हैं कि अलग अलग खरोंच लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, देखो अपन ग्रेजिंग कराएंगे तो लगेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, जैसे कोई इससे अगर खरोंच लग गई है थनों में खास करके, अगर थनों में ही देखो प्रॉब्लम थनों में आएगी, तो इससे अपन क्या करेंगे, इस पे ये जो तिल का तेल आता है वो लगाएंगे कभी कभार, उससे सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। और ये बिलोने का घी भी लगा सकते हैं अपन, तो जैसे ही जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाए बकरी,
घर से बाहर निकाल के थनों में लगा दो तो वो पूरे दिन खड़ी रहेगी, ग्रेजिंग करती रहेगी, तो उस टाइम उसके चिकनाहट बनी रहेगी पूरे दिन और दूध निकालने में ऐसे परेशान नहीं करेगी, मतलब परेशान नहीं करेगी, वो थोड़ा सा चिकनापन आ जाएगा, चिकनापन आ जाएगा, सॉफ्ट रहेंगे थोड़ा, बिल्कुल ऐसा, वो चिकनापन आ जाने की वजह से वो आराम से उसमें बकरियां क्या हो जाती हैं कि वो आराम से अपने को दूध वूध दे देती है, वरना हाँ लगेगी तो दर्द तो बनेगा बनेगा, अपन उसको बिल्कुल जैसे बच्चा है, अगर बच्चा अपने मुंह में भी ले रहा है तो दर्द होगा, दर्द होगा तो वो फिर बच्चे को भी नहीं पिलाएगी, अपन को भी दूध नहीं निकालने देगी, दो तीन दिन में चार दिन में एक बार अपन लगा देने, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।